फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ पोटैटो चिल्ली की एक आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 आलू लिए हैं, जिसके मैंने पतले पतले टुकड़े कर लिए हैं। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अदरक मैंने लिया है 1/2 चम्मच, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। 5 लहसुन की कलियां ली हैं, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। यहाँ मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है, इसको मैंने पतला पतला काट लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी मैंने पतला पतला काट लिया है। और मैंने थोड़े से गाजर लिए हैं, इसे भी पतला पतला काट लिया है। और मैंने गार्निशिंग के लिए यहाँ पर हरा धनिया और 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, जिसे मैंने पतला पतला इस तरह का काट लिया है। और मैंने नमक लिया है स्वाद के अनुसार। अब हमें डीप फ्राई करना है। ये जो हमने आलू लिए हैं, इसमें हम सारा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आलू हमारे थोड़े गीले हैं, मैंने इसके धो के तुरंत ही निकाला है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर सारे आलू के पीसेस में लग जाए। अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब सभी को डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, जो गर्म हो गया है। इसमें हम आलू के पीसेस डाल देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। आलू को हमें लाइट ब्राउन करना है, तो ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और सभी आलू को हमें इसी तरह से कर लेना है। आलू हमारे सारे डीप फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसको बनाते हैं हम आगे। यहाँ पर मैंने दूसरे बर्तन में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लिया है, और जैसे ये गर्म हो जाता है, इसमें सबसे पहले हमें जो हमने लहसुन काट के रखे थे वो डाल देने हैं, साथ में अदरक डाल देना है और हरी मिर्च। और 1 मिनट तक इन्हें भूनना है हमें। भूनने के बाद इसमें हम सारी सब्जियां डाल देंगे जो मैंने काट के रखी है, तो सारी चीजें एक साथ ही डाल देंगे। और इसे 1-2 मिनट तक हम फ्लेम को तेज करके भूनेंगे। ज्यादा देर तक हमें इसे पकाना नहीं है, क्योंकि हमें सब्जियों को क्रंची रखना है। और यहाँ पर सब्जियों की जो क्वांटिटी मैंने ली है, आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सॉस भी लिया है, तो मैं इसे आपको शुरू में बताना भूल गई, इसके लिए सॉरी गाइस। यहाँ पर मैंने रेड सॉस लिया है, तो ये अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। सोया सॉस लिया है और चिल्ली सॉस लिया है। सब्जियां हो चुकी हैं, बस मैंने इसे 1 से 2 मिनट पकाया है। और इसमें अब हम आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीजों को मैंने मिला लिया है। इसमें अब हम काली मिर्च का पाउडर जो हमने लिया था वो डाल देंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। हमने नमक पहले ही आलू में डाला हुआ है, तो उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालना है हमें। और सॉस डाल देंगे। सॉस भी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे हम। सोया सॉस हमें 1/2 चम्मच से भी कम लेना है, बहुत ही कम लेना है। और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। मैंने सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये जो हरा धनिया और हरी मिर्च हमने रखी है, ये भी डालकर अच्छे से मिला देंगे। हमारी पोटैटो चिल्ली तैयार हो चुकी है, तो मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। पोटैटो चिल्ली हमारी तैयार है। आप इसे घर पर ट्राई कीजिए। इसे बनाने बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।